सामायिक है सबके लिए है। ये बात फिल्मी धुन सुन लीजिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी धुन नहीं है। शाबाश बेटे। हेलो हेलो, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता के कोई, एक मूल्यवान पुरस्कार 501 राय बाराबंकी भिलवल से पधारे भैया हमारे रवि वर्मा जी, एक बहुत अच्छे आयोजक, एक बहुत अच्छे व्यक्ति, बड़ी दूर दूर अच्छे अच्छे आयोजन आप लोग कराते हैं। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, भैया को स्वागत कर रही हूँ। अब देखिए आसान है, एक तरफ गीत गाना आसान है, एक तरफ पहराए मुश्किल है। वही भैया सुनिएगा, एक तरफ आसान है, एक तरफ मुश्किल है, और मैं भी अपने गीत में यही लाने का प्रयास कर रही हूँ कि कहाँ आसान है और कहाँ मुश्किल है। हमारी माताएं बहने भाभी जी भी बैठी है, सुनिएगा गीत को। गर्भ में माने लाल को अपने, 9 महीने है धारा के, 9 महीने है धारा। कितने कष्ट सहकर 9 महीने हर तरह के दुख दर्द सहकर बच्चे को सहेजती है, धूप छांव से बचाती है, गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, जरा जरा देर में नजर उतारती है, लेकिन आज के दौर में मिलता क्या है? क्या गर्भ में मां ने लाल को अपने के 9 महीने है धारा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का अनादर करने लगता है, वही बच्चा माँ बाप का बंटवारा कर देता है, वही बच्चा रोटी रोटी को तरसाने लगता है, वही जब बहू को ले आता है तो घर मकान चूल्हा सब अलग कर लेता है। तो दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा, तो मेरी पंक्ति कह रही है मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा।
कर्ज सारा चुकाना आसान है पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। पहले भी 501 उतराए मेरे जवाब पर 501 उतराए भैया हमारे राजेंद्र लेखपाल जी जिनके आंगन में कार्यक्रम हो रहा है जिनकी अध्यक्षता में, पर फिर इन पंक्तियों पर 501 उतराए आपने भेंट की है। मैं परमात्मा से आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ और ये अनगिनत पुरस्कार हमारे भैया आदरणीय सुचिंद्र शर्मा जी, आप हाई कोर्ट में वकील हैं, मेरी ओर से भैया को हृदय से नमन है। और 11 मुद्राएं हमारे रवि भैया की तरफ से, वो जब याद आए तो बहुत याद आए, अब नहीं याद करो कुछ मिलने वाला भी नहीं। अच्छा अच्छा क्या बात। एक पुरस्कार और हमारे चचा आदरणीय श्री मगही चचा जी, जो रास्ते में आप बेहतरीन ढाबा देखते हैं जनता ढाबा, ये भी बिल्कुल परिवार है, घर है अपना, और अभी स्वागत का क्रम बाकी है चचा, जाइएगा नहीं तो। ये पुरस्कार आपके तरफ से मुझे मिला है, मैं नमन कर रही हूँ। भैया पप्पू जी बताशे वाले, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं भैया को धन्यवाद है, और ये 51 मुद्राएं भैया रामचंद्र यादव जी बिंदा नगर, आपकी तरफ से है भैया को धन्यवाद है। 51 मुद्राएं भैया राम सिंह यादव जी, आपकी तरफ से पुनः आपको धन्यवाद है। तो मेरी पंक्ति सुनिएगा। कर्ज सारे चुकाना आसान है पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। और आज के दौर में चार बच्चों को खिलाना आसान है पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ और देखिए मेरी पंक्ति कह रही नीलम जी के मेरी चिता को अग्नि देगा ये होती बाप की इच्छा। हर बाप यही चाहता है, हर पिता ये चाहता है कि अगर मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है तो मेरे मरने के बाद मुखाग्नि मेरा बेटा दे। लेकिन आज के दौर में कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि मेरी चिता को अग्नि देगा ये होती पिता की इच्छा। कुछ घटनाएं हुई, पुलवामा जैसी घटनाएं हुई, उसमें मैंने देखा कि जो बाप चाह रहा था वो बाप नहीं, उस बाप की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता ऐसी परीक्षा, तो बोझ जीवन का उठाना। नेताजी सुनिएगा, सबसे बड़ा दर्द कब होता है बाप को? बोझ जीवन का उठाना आसान है कि बोझ जीवन का उठाना आसान है पर लाश बेटे की उठाना मुश्किल और यहाँ लोग बहुओं को अपने घर में विदा करके लाते हैं नीलम जी, लेकिन ज्यादातर 90% देखने को मिलता है कि जिंदा बहू जला दी जा रही है। जगदीश भैया सुनिएगा मेरी पंक्ति, यहाँ तो सजाना आसान है
और 50 मुद्राएं बुआ भैया के लिए हमारी सम्मानीय आंटी जी जनता ढाबा, जिन्हें हमारे मगही चचा बूढ़ा कहते हैं, यदि उनकी तरफ से मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और 400 मुद्राएं मेरे लिए, 100 मुद्राएं बुआ भैया के लिए ढोलक पर। सम्मानीय भैया हमारे जगदीश बाबा जी, आपके माध्यम से आप एक ऐसे आयोजक हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम रावतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर कराते हैं, धन्यवाद है भैया को। और शकरी जी भाई हमारे टमाटर वाले, आपका ओर से 21 मुद्राएं हैं, धन्यवाद। और 100 मुद्राएं भैया हमारे अजय यादव जी ने भेंट किए हैं, जो तिलपई कन्नौज से आए हैं, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ भैया को, धन्यवाद है, धन्यवाद। भैया अनुज मिश्रा जी आपकी तरफ से 21 मुद्राएं हैं, और निवेदन कर रही हूँ पुरस्कार आप कहीं लिख कर दे दे या अंत में बुलवा दे, लिए अगर लिए नहीं लिखवा पा रहे तो उसको अंत में बुलवा दे, ताकि गीत का जायका खत्म खराब ना हो। अभी बोल दे बच्चे की उठाना मुश्किल एक पंक्ति और सुनिएगा नीलम जी, कैसे बिल्कुल गीत ऐसा चल रहा है जिसमें आज के ही सारे प्रसंग हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऐसा बताया जाता या ऐसा जाता बताया, जगह जगह लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज के दौर में समय कैसा हो गया, कैसा कई निर्मम हत्याएं हो रही है, कई ट्विंकल जैसी लड़की जो बेचारी बोल भी नहीं सकती, ठीक से समझा भी नहीं सकती, उसके साथ दुराचार हो रहा है, निर्भया कांड हो रहा है, और ना जाने कितनी बेटियां दूषित हो रही हैं। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ तो ऐसा जाता बताया, लेकिन बिना दहेज के बहू जो आई तो जाता यहां चला। अगर बिना दहेज के बहू आई तो बिना बताए बिना पूछे जला दिया जाता है। आज 10 लाख चाहिए, कल कार मोटर चाहिए, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो पेपर में खबर छप जाती है कि दहेज के कारण नहीं बल्कि सिलेंडर फटा और घर की बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती घर का सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई, क्यों? क्योंकि दहेज नहीं दिया। तो बिना दहेज के बहू जो आई जाता हाथ चलाया, तो घर में बहू को तो लाना आसान है, कि घर में बहू को तो लाना आसान है पर बहू बेटी बनाना मुश्किल है। क्या बात है, बहू को लाना आसान है लेकिन बहुओं को बेटी बनाकर रख पाना मुश्किल है। ये बड़ा स्नेह भरा पुरस्कार और बहुत समय के बाद मिल रहा है मुझे, और उम्मीद कर रही हूँ मिलता रहेगा। भैया हमारे मोहित भैया जी जो बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं और बहुत अच्छा आयोजन, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आपके मंच पर लखनऊ में आते हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो हृदय से नमन कर रही हूँ मोहित भैया कि आप यहाँ पर आए, आपने ऋण ऋण रख दिया है मेरे सर पर, और उसके लिए मैं नेताजी को कैसे धन्यवाद साधुवाद कौन से वाद दे दूं मुझे पता नहीं, बस केवल अलगाववाद और आतंकवाद और जातिवाद से दूर रहिए, बस इससे दूर रहिए, सारे वाद आपके लिए है, धन्यवाद है कि आप मोहित भैया को यहाँ लेकर आए। और 501 मुद्राएं मोहित भैया की तरफ से है, 501 मुद्राएं हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री राम सिंह नेताजी
बालू अड्डा लखनऊ आपकी तरफ से हृदय से आपको भी नमन है, मेरी तरफ से धन्यवाद भैया को। घर में बहू को बुलाना आसान है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल। और आज रिश्ते बनाना आसान है, पर रिश्ते निभाना मुश्किल। ये पंक्ति विशेष तौर से ज्वाला भैया आपके लिए ही है। पंक्ति आज रिश्ते बनाना आसान है पर रिश्ते निभाना मुश्किल है, और आप जान रहे हैं मैं जान रही हूँ, बस परमात्मा आपको खुशियों से भरा रखे। और ये स्नेह जो आपने मुझसे जोड़ा है, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में फिलहाल मेरी तरफ से मैंने ऐसा कभी कोई कार्य नहीं किया कि मेरी तरफ से मेरे भाइयों को कहीं सर झुकाना पड़े, तो हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिए अंतिम पंक्ति बिल्कुल समय के अनुसार। नीलम जी, नंदरानी परेशान तो नहीं, खोपड़ी पुजा रही हूँ। परेशान मत होइए, जो भी अच्छा है वो सुनाइए। मैंने सोचा कि सब अच्छे लोग बैठे हैं तो अच्छी बातें हो जाए। वीरों का है देश समाज, रिश्ते बहु बेटी बच्चे माता पिता सबकी बात हो गई, बात करते हैं देश की। तो वीरों का है देश ये भारत, तो देते शस्त्र गवाही, के देते शस्त्र गवाही। लेकिन हर मुश्किल को सह कर भी सीमा पर खड़ा सिपाही, के हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। अगर देश में सिपाही ना हो तो हम आप कोई नहीं रह सकते। सबसे बड़ा योगदान बलिदान उनका है। तो मेरी पंक्ति कह रही है घर में बैठे बैठे के भोग छप्पन तो खाना आसान है, के भोग छप्पन तो खाना आसान है, गोली सीने पे खाना मुश्किल है। छप्पन भोग को खाना आसान है लेकिन सीमा पर गोली खाना मुश्किल है। और एक पंक्ति जोड़ रही है, नारायण साईं बन जाना आसान है, नारायण साईं। आशाराम तो जेल में पड़े, उन्हीं के ये सुपुत्र हैं। नारायण साईं बन जाना आसान है, पर साईं बाबा बन पाना। नारायण साईं बन जाना आसान है पर साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। जो पानी से भी दीपक जला दिया करते थे, ये लोग तो पता नहीं कहां से दीपक जला रहे। इसलिए एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, के राधे माँ बन जाना आसान है, पर लक्ष्मी बाई बन पाना मुश्किल। और आर्यन भैया बड़ी हिम्मत का काम है, इसलिए कह रही हूँ, के नाच नौटंकी कराना आसान है, पर कीर्तन कराना मुश्किल है। ये सबके बस की बात नहीं है। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ नंदरानी जी, सुनिएगा, ताकि आपके लिए नहीं मैं बस कह दे रही हूँ। हर मंडल से गा
मंगल से गाना आसान है पर क्रांति माला से गाना मुश्किल है। आप लोगों ने ये अरे और प्रसंग को जोड़ कर गा रही है। जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से नाना प्रकार के रत्न निकले। रत्नों का पहले निकला हलाहल, अब हलाहल का हल कहां से पाए? क्या बात है? याद किया भोले बाप को, हुआ क्या सुनेगा? पचाना आसान है पर
राम को वनवास और भरत को राज्य, तो सोच रहे हैं उनके वचन निभाना मुश्किल है, वचन निभाना आइए, आपने खुद दिया है छप्पन भोग को खाना आसान है पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। क्या बात है, सुनेगा जलाता है अपने देश के लिए चिंगारी भड़कता है भड़काता है और एक दूसरे से कहता है करे बुराई जब आपस में तो मन ऐसा आता है तो मन ऐसा आता है कहीं आग को लगाना आसान है कहीं भी आग लगाइए लेकिन बदले में कहीं आग को लगाना आसान है जलती आग को बुझाना मुश्किल क्योंकि आपने गाया है कि हर मंडल से गाना आसान है पर क्रांति से गाना मुश्किल है। आइए जवाब सुनिएगा क्रांति से गाना मुश्किल क्यों है। क्यों जगह जगह पर होती कीर्तन सभी से निवेदन सुनिएगा जगह जगह सभी नाम गुण गाए जब सभी राम गुण गा रहे हैं धन्य हुए हैं कीर्तन प्रेमी कौन वो जो जिस जिन्होंने दादा को सुना है हम नहीं सुन पाए तो कहना है धन्य हुए माला से गाना मुश्किल है हमारी भाभी जी तो दादा बनना तो कितना आसान है दादा किशन बनना मुश्किल है दादा किशन और सामान्य भाभी जी हमारे बड़े भैया लेखपाल जी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को तो कहना है सभी लोगों को तो कार्यक्रम तो कराना आसान है क्योंकि हम जगह जगह पर गाते बजाते हैं तो कहना है कलाकारों को बुलाना मुश्किल है ये और इतना ही नहीं है
पद बेटा विरोधी मंडल से पुरस्कार आने लगे। आइए बाबा सुनिएगा कहना है सम्मानित हमारे भैया लेखपाल जी से। क्या बात है, अरे अब तो छा गई बिटिया। बहुत बढ़िया बेटा। अरे सम्मानिए हमारे दादा शिव कुमार शर्मा जी, शिव नारायण शर्मा जी, आपके करकमलों से इनक्यावन पद मुद्राएं भेंट है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। बहुत बढ़िया। और इसी श्रृंखला में हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री आदित्य किशन वर्मा जी शर्मा जी, आपके करकमलों से इनक्यावन पद मुद्राएं भेंट है और आपने एक सुंदर सी पंक्ति दी है जिससे बिल्कुल बिल्कुल हम जानते हैं आपने कहा है। बिल्कुल भैया आपको बिल्कुल सत्य बात है तो कहना हर धर्म को निभाना आसान है पर सेवक धर्म को निभाना मुश्किल है। मैं भी बजाती हूँ, हमारे भैया मुकेश भैया भी बजाते हैं, तमाम कीर्तनकार बजाते हैं, लेकिन कहना है हमारे जो बाबा दादा हुए हैं जिस परिवार से हम लोग जुड़े हैं तो कहना हारमोनियम बजाना आसान है पर दादा जैसे हारमोनियम बजाना आसान है और हर मंडल से का